सुंदर, प्यारा और दुर्लभ हमारा घर, हमारा ग्रह पृथ्वी। वो लोग बेहद लकी हैं जिन्होंने हमारे ग्रह की खूबसूरती को अंतरिक्ष में जाकर निहारा है। हम लोग इतने लकी तो नहीं कि अंतरिक्ष में जाकर अपने इस ग्रह की खूबसूरती को निहार पाएं, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं आज की इस तकनीक का कि हम घर बैठे ही पृथ्वी की सुंदरता को अंतरिक्ष की गहराई से निहार सकते हैं। तो चलिए अंतरिक्ष की गहराई में खोते हैं और देखते हैं कि हमारा ग्रह कितना सुंदर और आकर्षक लगता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अभी तक मानव जाति की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। ये आर्टिफिशियल हैबिटेबल सैटेलाइट पृथ्वी की सतह से 408 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी के ऑर्बिट में 17,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर लगा रही है और साल 2000 से लेकर अभी तक इसमें 200 लोग जा चुके हैं, जिनमें भारत की कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स भी शामिल हैं। ये स्पेस स्टेशन 24 घंटे में पृथ्वी के 16 चक्कर लगाता है। इस समय आप अपनी स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हो, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ली गई वीडियो है जो कि 408 किलोमीटर ऊपर से पृथ्वी की खूबसूरती को दिखाता है। चांद हमारे ग्रह का इकलौता नेचुरल सैटेलाइट है जो पृथ्वी से 384,400 किलोमीटर दूर है। रात के अंधेरे में टिमटिमाते तारों के बीच चांद की खूबसूरती देखते ही बनती है, लेकिन पृथ्वी के खूबसूरत चांद की यात्रा अभी तक सिर्फ 12 लोगों ने ही की है। वैसे तो चांद से पृथ्वी की बहुत सारी तस्वीरें ली गई हैं, लेकिन 1972 में अपोलो 17 के क्रू द्वारा ली गई तस्वीर अभी तक की सबसे फेमस तस्वीर है जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। इस इमेज को ब्लू मार्बल नाम दिया गया है। इससे पहले 1968 में पहले मानव मिशन अपोलो 8 के दौरान पृथ्वी की ली गई तस्वीर बेहद प्रचलित रही जो कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। इस इमेज को अर्थराइज नाम दिया गया। मंगल ग्रह वैज्ञानिकों के लिए शुरू से ही आकर्षित ग्रह रहा है। 1960 से अब तक वैज्ञानिक इस ग्रह पर सैटेलाइट्स भेजते आ रहे हैं। वैज्ञानिक भविष्य में मंगल ग्रह को टेराफॉर्म कर उस पर मानव बस्ती बसाने की योजना बना रहे हैं। पृथ्वी का ये पड़ोसी लाल ग्रह हमसे 54.6 मिलियन किलोमीटर दूर है। आप अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हो, ये मंगल ग्रह से ली गई पहली ऐसी तस्वीर है जिसमें चांद और पृथ्वी दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को 2003 में मार्स ग्लोबल सर्वेयर द्वारा लिया गया था। उसके बाद से वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की बहुत सारी हाई रेजोल्यूशन पिक्स कैप्चर की हैं। अभी आप अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हो, इसे मंगल ग्रह की सतह से 2004 में लिया गया था। सैटर्न अपने सौर मंडल का एक खूबसूरत गैसीय प्लैनेट है। सैटर्न की खूबसूरती इसके चारों ओर बने रिंग्स की वजह से है। सैटर्न हमसे 1.2 बिलियन किलोमीटर दूर है और पृथ्वी से सैटर्न तक की इस दूरी को ट्रैवल कर अभी तक शनि ग्रह तक सिर्फ 4 स्पेसक्राफ्ट पहुंचे हैं, जिनके द्वारा हमें सैटर्न और इसके चंद्रमाओं के बारे में काफ़ी जानकारी मिली है। सैटर्न के इन 4 मिशनों में कसिनी मिशन एक फेमस मिशन रहा है। 2017 में कसिनी स्पेसक्राफ्ट शनि ग्रह में समा गया था, लेकिन कसिनी स्पेसक्राफ्ट जब तक शनि ग्रह की सतह से टकराता तब तक ये पृथ्वी पर बहुत सी जानकारी भेज चुका था जो कि वैज्ञानिकों के लिए सैटर्न के अगले मिशन के लिए बेहद लाभकारी रहेगी। 2013 में कसिनी ने एक रेयर इमेज कैप्चर की थी जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, जिसमें सैटर्न की डार्क साइड के साथ सैटर्न की सुंदर रिंग नज़र आ रही हैं।
और इसी फ्रेम में एक डॉट के समान हमारा नीला ग्रह भी नजर आ रहा है। १९७७ में दो ट्विन्स स्पेसक्राफ्ट्स वॉयजर 1 और वॉयजर 2 को लॉन्च किया गया था, जिनका उद्देश्य था अपने सौरमंडल के गैसीय प्लैनेट्स की स्टडी करना। वॉयजर स्पेसक्राफ्ट्स पृथ्वी पर ढेर सारी इन्फॉर्मेशन भेज चुके हैं और ये मिशन अभी भी कार्यरत है। वॉयजर स्पेसक्राफ्ट्स अपने सौरमंडल की सीमा को पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर चुके हैं और वॉयजर स्पेसक्राफ्ट वो पहले मानव निर्मित स्पेसक्राफ्ट हैं जो पृथ्वी से सबसे ज़्यादा दूर हैं। लेकिन जब तक वॉयजर 1 अपने सोलर सिस्टम की सीमा को पार करता, तब इसके कैमरे को पृथ्वी की तरफ मोड़ा गया और इसने पृथ्वी की एक आखिरी इमेज ली, जो कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। पृथ्वी की ये इमेज अभी तक की सबसे ज़्यादा दूरी से ली गई इमेज है। पृथ्वी की ये इमेज 3.75 बिलियन मील दूर से ली गई है। हालांकि इस इमेज में हम पृथ्वी की खूबसूरती को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन पृथ्वी की यह डॉट समान पिक्चर हमें बताती है कि इस विशालकाय यूनिवर्स में हमारा अस्तित्व क्या है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।